दोस्तों अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक में सेविंग अकाउंट खोल के रखे हैं और उस अकाउंट में आपने नेट बैंकिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करके रखा था लेकिन आपने यूजर नेम भूल चुके हैं और पासवर्ड भी चेंज करना है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाऊंगा मेरा कंप्यूटर के स्क्रीन पर कि किस तरह से आप पहले यूजर नेम पता करेंगे उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप पुराना पासवर्ड जो था उसको चेंज करके नया पासवर्ड किस तरह से बनाएंगे उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड दोनों को देकर मैं लॉग करके भी आपको दिखाऊंगा लास्ट में तो सबसे पहले पता करेंगे नेम किस तरह से आपको तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है तो, तो दूसरा ब्राउजर यहां पर यूज नहीं करना है तो यहाँ पर जस्ट आपको टाइप करना है एस नेट बैंकिंग लॉग इन पर स्क्रीन पे देख सकते हैं लिख के आपको सर्च करना है तो इसी पेज पे आपको लेके आ जाएगा अभी यहां पर देखिए फर्स्ट वाला जो लिंक आपको दिख रहा है पर्सनल बैंकिंग इस लिंक के ऊपर में आपको क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे आपको इस पेज पे लेके आ जाएगा अभी यहां पर देखिए तरफ कंटिन्यू टू लॉग इन लिखा है सिंपली इसके ऊपर में क्लिक करना है। तो इस वाले पेज पे आपको लेके आ जाएगा यहां पर अगर आपका यूजर नेम है तो यहां पर डाल दीजिए पासवर्ड अगर है तो यहां पर डाल दीजिए और ये नीचे जो कैप्चर है यहाँ पर डाल के आप लॉग इन कर सकते हैं अगर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड पता है तो लेकिन यहाँ पर रुकिए आप किस लिए आए हैं क्योंकि आपको यूज़र नेम भी पता नहीं है और पासवर्ड भी चेंज करना है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इसी स्क्रीन पे यहाँ पर देखिए फॉरगेट यूज़र लॉगिन पासवर्ड लिखा है जस्ट आपको क्या करना है इसी वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है दूसरा कहीं पर भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा इसी लिंक के ऊपर में आपको जस्ट टैप करना है तो जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने में एक छोटा सा पॉपअप विंडो देखिए यहां पर ओपन होगा कुछ इस तरह का का रहेगा ठीक है इस तरह का पॉपअप आपके सामने में विंडो ओपन होगा अभी इसको बड़ा करना है मोबाइल पे होगा तो ये आपको इस तरह का नहीं दिखाएगा जस्ट डबल क्लिक कर देना है बड़ा हो जाएगा तो यहां पर लिख रहा है कि अगर आपने पहले से ही यूजर नेम पासवर्ड बना के रखे हैं तो यहाँ पर आप काम कर सकते हैं अदरवाइज यहाँ से घर जाइए सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मिल जाता है फॉरगेट माई लॉग इन पासवर्ड और सेकंड पे ऑप्शन मिल जाता है फॉरगेट यूजर नेम तो आपको सबसे पहले यूजर नेम पता करना है तो इस

उसके बाद में आपको कंट्री सिलेक्ट करना है कंट्री यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा है आपको इस बॉक्स के ऊपर में क्लिक करना है छोटा सा पॉपअप खुलेगा यहाँ से आपको इंडिया सिलेक्ट कर लेना है जैसे इंडिया सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर देखिए नाइन वन नंबर आ जाएगा अभी यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है ध्यान रहे दूसरा कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पर नहीं देना है जो लिंक है आपके अकाउंट में वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देना है तो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है उसके बाद में एंटर द कैप्चर ये जो आपको कैप्चर देख रहा है साइड में बॉक्स में लिखा है जो भी लिखा है इस बॉक्स में आपको फिल करना है फिल करने के बाद में सबमिट का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तो so, जैसे ही सबमिट में क्लिक करेंगे आपको लिखा जाएगा इस पेज पे अभी यहां पर बता रहा है कि आपके बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक है रजिस्टर्ड है उसी मोबाइल नंबर पे एट डिजिट का नंबर दिया गया है ओ दिया गया है जिसको क्या करना है इस बॉक्स में डालना है और कन्फर्म पर क्लिक करना है यहाँ पर बाईचांस सर्वर डाउन के वजह से अगर ओ आपके पास में नहीं आता है तो यहाँ पर देखिए क्लिक है टू रिस द ओ इस वाले ऑप्शन के ऊपर में क्लिक करना है तो दोबारा आपके मोबाइल नंबर पर ओ दिया जाएगा तो यहाँ पर मोबाइल नंबर में जो ओ टी पी आया है उसमें यहाँ पर डाल दीजिए इस बॉक्स में और कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिए जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं लॉग इन यूजर हैज़ बिन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तो मोबाइल नंबर पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी नंबर पे यूज़र नेम भेज दिया गया है स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्क्रीन शॉट लगा दिया तो इस तरह का आपके मोबाइल पे भी मैसेज आ जाएगा यूज़र नेम वहाँ पर लिखा रहेगा और यहाँ पर भी देखिए यूज़र नेम लिखा है तो चाहे आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं यहाँ से भी लिख सकते हैं तो यूज़र नेम किस तरह से पता करना है आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिखा दिया फिलहाल मैं इस पॉपअप को यहाँ से कट कर देता हूँ यहाँ पर यूजर नेम मेरे को पता चल गया जो यहाँ पर आपको डालना है यूज़र नेम के जगह पे सो so, अभी पासवर्ड चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा सेम प्रोसेस करना है थोड़ी देर पहले जो फॉरगेट पासवर्ड यूज़र नेम जहाँ पर क्लिक किया था वहीं जगह पे आपको क्लिक करना है फिर से दोबारा इस तरह का देखिए एक छोटा सा विंडो ओपन होगा जिसको आपको डबल क्लिक करके बड़ा करना है अगर आप लैपटॉप से या कंप्यूटर से अप्लाई कर रहे हैं तो तो जैसे ही इसको बड़ा कर देंगे सेम प्रोसेस है यहाँ पर एक बॉक्स मिल जाएगा इसमें क्लिक करना है सबसे पहला वाला ऑप्शन क्या लिया था इससे पहले यूज़र नेम क्योंकि मेरे को तब यूज़र नेम पता करना था अभी मेरे को पासवर्ड चेंज करना है सो so, ऊपर में देखिए फॉरगेड मैं लॉगिन पासवर्ड लिखा है इसको सिलेक्ट करना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है तो जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपको लिखा जाएगा इस पेज पर पे। अभी यहाँ पर सबसे पहला वाला ऑप्शन आपको क्या डालना है यूज़र नेम जो थोड़ी देर पहले मैंने पता किया रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया है और स्क्रीन पर भी था तो आपको लिख के रखना था वही यूज़र नेम आपको इस बॉक्स में डालना है किस तरह से पता किया वो तो मैंने दिखा दिया उसके बाद में अकाउंट नंबर आपको डालना है तो आपका जो भी अकाउंट नंबर है पासबुक में देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप देख के यहाँ पर फिल कर दीजिए जो भी अकाउंट नंबर है उसके बाद में कंट्री सिलेक्ट करना है यहाँ पर बॉक्स मिल जाता है क्लिक करना है पॉपअप होगा यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर लेना है जैसे सिलेक्ट करेंगे नाइन वन पर मोबाइल नंबर सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर अभी मोबाइल नंबर डालना है जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है सबसे पहले मैंने जो मेथड दिखाया वो इसी तरह का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है यहाँ पर आपको डालना है उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है ध्यान रहे आपके पेन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालना है उसके बाद में यहाँ पर बता रहा है एंटर द टेक्स शो बिलो यहाँ पर डायात्रा में देखिए बॉक्स में जो भी लिखा है ये दिखा है सेम टू सेम आपको इस बॉक्स में फिल करना है और सबमिट में क्लिक करना है लेकिन सबमिट करने से पहले यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन देख लीजिए क्या नीचे में लिखा है यहाँ पर बता रहा है यू कैन रिसेट योर लॉग इन पासवर्ड ऑनलाइन बाई यूजिंग एनी ऑफ थ्री वेज अगर नीचे में देखिए लिखा है कि ये तीन चीज़ अगर आपके पास में है तो आप ऑनलाइन अपने पासवर्ड चेंज कर सकते हैं अदरवाइज़ आप अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन तो सबसे पहले बता रहा है यूजिंग एटीएम कार्ड डिटेल्स तो आपका जो कार्ड है उसका डिटेल्स दे आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है उसके बाद में आता है यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड तो प्रोफाइल पासवर्ड अगर आपके पास में है लॉगिन करने के दौरान तो उस पासवर्ड के दौरान भी आप अपने पासवर्ड चेंज कर सकते हैं ऑनलाइन अभी ये पासवर्ड किस तरह से चेंज करना है और ये प्रोफाइल पासवर्ड क्या है उसके लिए मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है जाकर देख सकते हैं उसके बाद में इस वीडियो को देख लीजिए कि प्रोफाइल पासवर्ड क्या होता है कहाँ पर बनाना पड़ता है तो चलिए यहाँ पर डाल देते हैं जो भी डालना था डाल दिया सबमिट कर दिया उसके बाद में इस पेज पर लेकर आ जाएगा यहाँ पर आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस नंबर पर पासवर्ड जाएगा जिसको आपको क्या करना है इस बॉक्स में फिल करना है और नीचे आपको सबमिट में क्लिक करना है बाई चांस अगर आपके सर्वर डाउन के वजह से अगर नहीं आता है तो यहां पर दोबारा क्लिक करके पासवर्ड मंगवा सकते हैं अपने मोबाइल नंबर पर तो यहां पर चलिए मैं ओटीपी को डाल देता हूं और कंफर्म पे क्लिक कर देता हूं जैसे कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा इस वाले पेज पर पे आ जाएगा इससे पहले ही मैंने आपको बताया कि ये तीन चीज अगर आपके पास में है तो आप ऑनलाइन पासवर्ड चेंज कर सकते हैं सबसे पहला वाला ऑप्शन यूजिंग एटीएम कार्ड डिटेल्स आपका जो भी डेबिट कार्ड है उसका जो भी डिटेल्स है जैसे कार्ड नंबर हो गया एक्सपायरी डेट सीसी नंबर ये सब कुछ आपको डिटेल्स इस कार्ड पहले वाला ऑप्शन पे आपको देना पड़ेगा सेकंड ऑप्शन मिल जाता है यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि नेट बैंकिंग यूज करने के दौरान कुछ भी अगर अंदर जाके चेंज करेंगे तो ये प्रोफाइल पासवर्ड देना पड़ता है अब ये प्रोफाइल पासवर्ड क्या है चैनल पर वीडियो है सो so, सबसे आसान तरीका है जो है प्रोफाइल पासवर्ड जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसी मेथड पे मैं आपको दिखाऊंगा तो इस ऑप्शन को आपको क्या करना है सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करने के बाद में नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है जैसे ही सबमिट में क्लिक करेंगे आपको लेकर आ जाएगा इस पेज पे ठीक है यहां पर देखिए प्रोफाइल पासवर्ड और आपका जो भी प्रोफाइल पासवर्ड है उसको आपको इस बॉक्स में डालना है और यहां पर सबमिट में क्लिक करना है जैसे ही सबमिट में क्लिक करेंगे इस वाले पेज पर पे आपको लेके आ जाएगा अब यहां पर देखिए क्या बोल रहा है एंटर न्यू लॉग पासवर्ड अभी यहां पर क्या करना है आपका जो भी मनपसंद का पासवर्ड क्या करना है जो आपको याद रहेगा वही पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है पासवर्ड जो है सेंसिटिव होना चाहिए वही पास पासवर्ड आपको कंफर्म करने के लिए दोबारा जो पासवर्ड है वो बोर्ड में डालेंगे वही पासवर्ड नीचे इस बॉक्स में भी आपको डालना है उसके बाद में आपको सबमिट में क्लिक करना है जैसे सबमिट में क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है योर लॉग पासवर्ड हैज़ बिन रिसेट सक्सेसफुली तो यहाँ पर जो भी मेरा इसी आई पे पुराना वाला पासवर्ड था वो अभी सक्सेसफुली चेंज हो चुका है अभी यहाँ पर जो मैंने नया पासवर्ड डाला है वही पासवर्ड अभी इस आईडी का हो गया सो पहले मैंने आपको किस तरह से दिखाया है यूज़र नेम किस तरह से पता करना है बड़े ही आसानी से आपको दिखा दिया उसी तरह से आपको यूज़र नेम पता करना है उसके बाद में पासवर्ड किस तरह से चेंज करना है कुछ डिटेल्स दे वो भी मैंने तरीका आपको दिखा दिया है सो दोनों स्टेप मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा दिया अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है नहीं तो दोबारा इस वीडियो को देखिए तो अभी मैं क्या करूँगा दोनों यूजर नेम और पासवर्ड दोनों देखे लॉग इन करके दिखाऊंगा तो इस वाले पेज पे आपको आ जाना है अभी जहां पर यूजर नेम लिखा है यहां पर यूजर नेम डालूंगा जो पता कर लिया है मैंने पासवर्ड जो अभी मैंने डाला था चेंज किया पासवर्ड डालूंगा और ये जो कैप्चर है इस बॉक्स में फिल करके लॉग इन पे क्लिक करूंगा तो जैसे ही लॉग इन क्लिक करूंगा देखिए इस पेज पर पे लेके आ जाएगा यहां पर देखिए फिर से वही केस जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी मोबाइल नंबर पे पासवर्ड भेजा गया है एट एट डिजिट का जिसको इस बॉक्स में फिल करना है और सबमिट में क्लिक करना है अगर ओ नहीं आता है तो दोबारा यहाँ पर क्लिक करके ओ उसी नंबर पर मंगवा सकते हैं तो चलिए यहाँ पर ओ डाल देता हूँ और सबमिट में क्लिक कर दूंगा तो सक्सेसफुली यहाँ पर देखिए मैं लॉग कर चुका हूँ दोस्तों यूजर नेम किस तरह से पता करना है वो तरीका मैंने आपको सबसे पहले दिखा दिया उसके बाद में किस तरह से दिखाया आपको पासवर्ड चेंज करना है बड़ा आसानी से वो भी तरीका मैंने आपको दिखा दिया अगर वीडियो एक बार देखने से समझ में नहीं आता है तो भाई रिपीट करके दोबारा इस वीडियो को देखिए बार बार देखते रहिए जब तक समझ में नहीं आता है जरूर एक दिन समझ में आएगा उसी के बाद में ही आप अप्लाई करिएगा इस तरह का पासवर्ड चेंज करने के लिए सो वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा होगा तो भाई प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए कोई भी बंदा अगर मेरे चैनल पर नया आके वीडियो देख रहे भाई उसी के साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा के रखिए इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए अगला वीडियो आने वाला है एस में कारेंट अकाउंट यानी कॉरपोरेट बैंकिंग के यूजर नेम और पासवर्ड किस तरह से पता करेंगे किस तरह से लॉग इन करेंगे फुल वीडियो आने वाला है तो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेलाइकन घंटी को भी दबा के रखिए चलिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो पे